everyone, this is Akiti Jha's kitchen. Welcome back to your channel and happy Holi to all of you, my dear subscribers. और आज मैं होली के अवसर पर बहुत ही कुरकुरारी सी प्यारी सी एक नाश्ता की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि स्पेशली मैंने यूपी में आके सीखा और उसका नाम है समोसी। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को समोसी कैसे बनते। चलिए देख लेते हैं, मैदा गूंथने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। ये है मैदा आधा किलो, नमक, पानी गूंथने के लिए मगरेला, कसूरी मेथी और ये रिफाइंड ऑयल। सबसे पहले हम मैदा को छान लेंगे, उसके बाद उसमें नमक, मगरेला, कसूरी मेथी, ऑयल डाल के धीरे धीरे पानी के साथ उसको तो देखिए इस तरीके से ये मैदा का आटा तैयार होगा। बहुत मुलायम नहीं गूंथना है, ना बहुत कड़ा गूंथना है। जैसे हम मठरी के लिए आटा गूंथते हैं वैसे ही गूंथना है और मोयन तब तक डालना है जब तक कि आटे में मोटी ना बने। यहाँ से इसको गूंथेंगे, फिर हम इसमें 2 चम्मच रिफाइंड डाल के अच्छे से इसको मिक्स करके और इसको कपड़े से हम लोग ढक देंगे। आटा अच्छे से इस तरीके से सेट हो जाता है, बेलने के लिए रेडी हो जाता है। तो चलिए अब इसको हम कपड़े से ढक देते हैं। चलिए फिर समोसे में जो हम मूंग दाल भरेंगे वो कैसे बनाएंगे वो मैं बताती हूँ आपको। ये है मूंग दाल हल्दीराम का। वैसे तो इसका प्रोसेस दूसरा होता है लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्टकट है। ये है पुदीने का पत्ता का पाउडर है, ये देखिए। ये है चाट मसाला, हींग, लाल मिर्चा, नमक, ये है पिसी हुई चीनी, जीरा पाउडर, ये है काली मिर्च का पाउडर, ये है काला नमक, ये है अमचूर और ये है लास्ट में घी। तो सबसे पहले हम ये मूंग दाल को मिक्सी में पीस लेंगे, उसके बाद सारे सूखे मसाले एक साथ हम मिक्स करेंगे। ये देखिए मैंने पीस लिया है मूंग की दाल को। अब सबसे पहले करछुल को इसमें चढ़ा के और थोड़ा सा हम ये हींग को इसमें लाल कर लेंगे। ये देखिए हींग मैंने डाल दी है, क्योंकि दाल की चीज़ है तो ये हेल्प करेगा गैस पचाने में। तो ये थोड़ा सा लाल हो जाए, बहुत देखिए हींग लाल हो गई है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। यार क्या कर रहे थे तुम। ये देखिए हींग पूरी लाल हो गई है और मैंने गैस बंद कर दिया है। अब देखिए जब तक ये ठंडा होगा हम बाकी की चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले ये जीरा पाउडर हम पहले थोड़ा कम मिलाएंगे, उसके बाद इसकी सीजनिंग को हम चेक कर लेंगे, फिर जो कम बेसी होगा उसको हम बराबर कर लेंगे। ये है अमचूर, ये है लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा ही दिया है मैंने। ये है काली मिर्च का पाउडर, ये है काला नमक। पहले हम थोड़ा थोड़ा देंगे अंदाज से, उसके बाद ये है पुदीना का पाउडर, देखिए। अब क्या रह गया अपना, ये थोड़ा सा चाट मसाला, उसके बाद ये देखिए हींग भी मेरी ठंडी हो गई है तो हम हींग भी मिला देंगे। उसके बाद ये पिसी हुई चीनी, उसके बाद ये नमक, लास्ट में नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। अब हम इसको सारा मिला लेते हैं बढ़िया से। देखिए मिला लिया,
और इसकी सीजनिंग को हम चेक करते हैं कि ये खट्टा मीठा का बैलेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये देखिए मैंने सारा इसको अच्छे से मिला लिया है, स्पून हटा के हाथ से ही मिलाया है मैंने, हाथ नहीं लगाती हूँ तो मेरे को संतुष्टि नहीं मिलती है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये थोड़ा सा ना भुरभुरा है, इसमें हम थोड़ा सा घी गरम करके मिलाएंगे ताकि जब हम इसको खाएं तो ये निकल के बाहर ना आ जाए। तो ये देखिए मैं जरा सा ये घी को पिघला रही हूँ और उसमें अंदाजे से मिलाएंगे ताकि वो पूरा अच्छे से बाइंड हो जाए। चलिए गैस बंद कर देते हैं और इसको इसमें धीरे धीरे मिलाते हैं। ये एक चम्मच था बड़ा, अब इसको अपन मिला देते हैं ताकि ये मसाला अच्छे से वो हो जाए, भुरभुरापन इसका ख़त्म हो जाए। ये देखिए अच्छे से ये हमारा पूरा फिलिंग मिक्स हो गया है और इधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, जब तक हम छोटी छोटी समोसियाँ बेलेंगे तब तक ये अपना रिफाइंड भी बढ़िया से गर्म हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी, जो मैंने मैदा गूंथ के रखा था जो आप लोगों को दिखाया था उसमें से मैंने ये आधा ले लिया है और इसमें से हम छोटी छोटी लोइयां निकालेंगे। बहुत सारे तरीके हैं इसको बनाने के, एक ये भी तरीका है, जैसे समोसा हम बेलते हैं एग्जैक्टली हमको वैसा ही बेलना है। समोसा साइज में बड़ा होता है और समोसी साइज में छोटी होती है। तो ये देखिए अब सबसे पहले हम इसको बढ़िया से इसमें डुबो के थोड़ा सा और बढ़िया से इसकी लोई बना के इसको हम बेल लेते हैं। हमने बेल लिया है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब हम इसको नाइफ से या जो भी मिल जाए, मेरे को चम्मच मिला है तो मैं चम्मच से ही करती हूँ, वक्त पे मेरी किचन में कुछ नहीं मिलता है और जबकि मैं संभाल के रखती हूँ, मज़े वाली बात तो ये है। चलिए कोई ना, काम चलना चाहिए। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें ये भरेंगे हौले हौले, बहुत ही धीरे धीरे इसको भरना है जितना इसमें ये आ सके। ये देखिए बहुत ही पेशेंस का काम है ये, जल्दी जल्दी में ये बिल्कुल भी नहीं होता। अब हम इसको ऐसे सील पैक करेंगे, अच्छे से इसको ऐसे दबाएंगे बढ़िया से, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम हो सकता है कि दिक्कत हो तो घबराइएगा मत, क्योंकि मेरे को भी एक टाइम में फर्स्ट टाइम में नहीं आया था, ये प्रैक्टिस से ही होता है। ये देखिए हमारी प्यारी सी समोसी तैयार हो गई है, ये यूपी में खासकर बहुत बनता है, ये देखिए। तो इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ फिर इसको मैं डीप फ्राई करूँगी। नहीं नहीं चलिए मैं आपको एक बार और बना के दिखाती हूँ कैसे बनेगा। ये देखिए हमने ये बेल लिया, अब हम इसका हाफ कर देंगे, अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे ताकि ये ट्रायंगल हो जाए और इसमें हम ये मिक्सचर करेंगे। ये देखिए और बढ़िया से इसको सील पैक कर देंगे। ये देखिए चलिए अब हमारी समोसियाँ तलने को तैयार हैं, रिफाइंड भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम
अपनी समोसियों को इसमें छोड़ देते हैं बहुत ही केयरफुली। एक बार डालने से पहले हल्का हल्का इसको दबा लीजिए ताकि खुलने का डर ना रहे। बहुत ही प्यार से इत्मीनान से ये समोसियाँ बनती हैं और खाने में बहुत टेस्टी होती है, तो इसको आप होली पर ज़रूर से बनाएं, खिलाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। देखिए इसको अब हम पलट देते हैं, धीमी आंच पर ही है, रिफाइंड अच्छे से गर्म होना चाहिए। करारा करारा ये लाल हो जाएगा तब हम इसको निकालेंगे। ये देखिए समोसियाँ बनके एकदम रेडी हो गई हैं। अब हम इसको ऐसे थोड़ी देर छोड़ देते हैं ताकि पूरा इसका रिफाइंड छन जाए और गैस को बंद। देखिए हमारी प्यारी सी कुरकुरी मूंग दाल की समोसी बनके तैयार है। खाइए, खिलाइए और इसको एंजॉय कीजिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और पसंद आए तो प्लीज़, जो कि मैं हर बार कहती हूँ आप लोगों को, शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.